और उसके बाद चौथा क्या था? नाक का नासिक से निकलता था। और जो जो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज थे वो मथुरा में आते थे। मथुरा में आने पर मथुरा में जितने सारे आते थे, पहले तो वृंदावन में सबका मठ नहीं था, पहले आकर मथुरा मठ में रुकते थे। तो हमारे एक कुंज बिहारी प्रभु थे, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का शिष्य थे कुंज बिहारी प्रभु। उनको वो थे मिलिटरी में पहले थे, उनको बहुत चटर पटर पसंद था, इसलिए हमारे प्रेमानंद गुरु क्या करते थे, रोसोई बनने का बाद उसमें घी और जो लाल मिर्च उसको डाल करके उनको दे देते थे, उनको दे देते घी और लाल मिर्च डाल कर दे देते थे, उनको बहुत चटर पटर पसंद था। एक समय भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और कुंज बिहारी प्रभु दोनों बैठे हुए थे प्रसाद पाने के लिए। हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का स्वभाव क्या था, पहला बार जब कोई चीज़ दे दो, दाल चावल सब्जी दो दे दिया ना, बस उसको ही आविष्ट होकर के जो प्रसाद सेवा करते थे, बड़े आविष्ट होकर के सेवा करते थे। पहले तो कृष्ण भोजन किया, उसको बाद में राधा रानी भोजन किया, उसको बाद में ललिता सखी भोजन किया, रूपमंजरी, फिर भक्त विनोद ठाकुर, फिर हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान के गुरु परम्परा ने प्रसाद किया। इसलिए कभी कभी हमारे कुंज बिहारी प्रभु कभी बोल देते, इसमें नमक कम दिया, इसमें मिर्ची कम है, हैं बोल देते थे, लेकिन उनको बड़ा क्रोध आ जाता था। बोले तुम होटल में बैठे, तुम होटल में खा रहे हो ना भगवान की प्रसाद सेवा कर रहे हो, बोलते तुम होटल में खा रहे हो ना भगवान की प्रसाद सेवा कर रहे हो। इसलिए नियम है भगवान खाने से पहले हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप हम लोग क्या करते हैं, प्रसाद इसमें नमक सही है कि मिर्च सही है कि नहीं, प्रसाद बनने के बाद हम हाथ में थोड़ी सी लेकर के ना जीभ में लगा करके देख लेते हैं उसमें नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च अगर नमक मिर्च कहीं ठीक हो, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो ना, फिर हम उसमें दे देते हैं। लेकिन क्या नियम है, जब भगवान के लिए कोई चीज़ बनता है, भगवान खाने से पहले खाना उसको चखना अपराध है, पाप है। अभी ठाकुर को भोग नहीं लगा ना, तुम कैसे खा लिया, ये पाप है। लेकिन नियम है, लेकिन चूंकि भगवान खाएंगे, अगर नमक कम होगा तो उनको भोजन कैसे करेंगे, मिर्च कम होगा तो भोजन कैसे, भगवान को के लिए सूप के लिए हम करते हैं, उसमें और एक नियम है, ऐसे नहीं टेस्ट करने का परिवर्तन में खा ही लिया, ये नियम। हाँ, इसलिए जो टेस्ट कर तो कहते ना, टेस्ट करने के लिए पूरा टेस्ट कर लेते हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा कहते, ये भी नहीं करनी चाहिए, टेस्ट कैसे करनी चाहिए, नियम है हाथ में थोड़ी सी लिया और जीभ में लगा करके ना फिर उसको थूक दिया, उसको गले को नीचे नहीं उतरनी चाहिए, केवल जीभ में ले लिया, लेकर खट्टा मीठा फिर समझ कर क्या करो, ये जुआ बड़ा तेज है ना, झट खाते ही मुँह अंदर में चले जाता है, हाँ अंदर में चले जाता है, इसलिए केवल उसको खट्टा मीठा होने के बाद उसको फिर उसको मुँह धो दो, ये नियम। लेकिन चूँकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए, उसमें फिर कोई अपराध नहीं, इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कहा करते थे, बोले देखो जब कोई चीज़ ठाकुर को भोग लग गया ना, ठाकुर को भोग लगने के बाद फिर उसमें नमक कम है, मिर्च कम है, तुमने ये नहीं डाला, फिर नहीं बोलनी चाहिए, फिर वो अपराध है। और जैसे उनको जो दाल सब्जी जो पहले दे दिया, जो दे दोगे वो तो क्या करते हैं, वही खा लेंगे, अगर बाद में कोई मिठाई व कोई खीर दिया, उनको बाद में दिया ना, उसको खा नहीं पाते, उसको नहीं, क्यों कहते, वो जो सेवा करते हैं ना उसमें इतने आविष्ट रहते हैं, वो इतने आविष्ट रहते हैं, बाद में क्या रसगुल्ला दिया मिठाई दिया वो भूल जाते हैं खाना, पहले जो एक बार दे दिया बस उसको ही खा करके, उनको इतने आविष्टता थी प्रसाद में, इतने आविष्टता उनको थी। अब प्रसाद सेवा करते समय साक्षात भगवत प्रसाद, इसलिए हम जो महाप्रसाद सेवा करते ना, कहते साधु सावधान फिर कई कर अवधान, मतलब क्या, साधु लोग तुम लोग सावधान हो जाओ, फिर बोलता हूँ फिर सावधान हो जाओ, जो महाप्रसाद है गोविंद है नाम ब्रह्मण वैष्णव है, फिर जिसका कम पुण्यवान है उनके प्रति विश्वास नहीं होता, उनको ये लगता है हम रोटी चावल ही खा रहे हैं, नहीं हम रोटी चावल नहीं खा रहे हैं,
भगवान राधा रानी हमारे गुरुवर को उसको सेवा किया, प्रसाद नहीं, हम महा महा महाप्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसी भाव से आविश्यता होकर के ये प्रसाद को हमें ग्रहण करनी चाहिए। बोलो। इसके समय हमने एक बार उदाहरण सुना था, क्योंकि था बिल्कुल, हमने एक उदाहरण सुना था जिसका हमारे भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी और उसका भक्तिदान भानु गोस्वामी महाराज जी, तो हमारे उसमें भक्तिदान भानु गोस्वामी महाराज जी अगर उन्हें प्रसाद जो भी दिया जाता था, चाहे उसमें नमक हो, मिर्ची ज्यादा हो, कुछ भी ना ज्यादा हो, उनका अपना जगह भी हो, जैसे तैसे चुपचाप उसको ग्रहण कर लेते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था, जिसमें हमारे भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा जल गया, कुछ हो गया, तो क्या करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, जिसने प्रसाद बनाया, तो क्या दोनों में हमने क्या बताया, समझ से भाव होगा, उनका क्या भाव था उसमें भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी का, कि अभी ठाकुर जी को भोग करके जब ठाकुर जी ने खा लिया तो मैं कौन, तो मैं भी वैसे ही खाऊंगा, क्योंकि हमारे श्री भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जी का क्या भाव होता था, तो कह रहा कि मतलब ठाकुर जी को तुम ऐसा जला हो तो नमक ज्यादा होगी, है ना, उनका भाव अलग था, तो दोनों ही अपनी जगह सही, ठीक है। और हमारा इसमें ही और हमारा अत्याहार के अंदर दूसरा था आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, इसके विषय में मैंने काफी सारी कथाएं सुनी थी, क्या है अत्याहार, क्या है आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की क्या बताया था, त्वचा, त्वचा का हमारा उसमें रहेगा इंद्रियों का, त्वचा में क्या बताया था, हाथी का हमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि त्वचा तो हमारी स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, त्वचा के लिए हमारा जो वेग है वो भक्ति में बाधक है, और हमने इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया था एक हाथी का, कि हाथी को पकड़ने के लिए एक हथेली का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या ट्रेन किया जाता है कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें घास की जाती है और हथनी को ट्रेन किया जाता है, और जाके सिर्फ हाथी को स्पर्श करती है और हाथी उसके पीछे पीछे आने लगता है, और वो जो जाके गड्ढा होता है वो उसको पार कर जाती है, हाथी उसके अंदर गिर जाता है, फिर जब वो गिर जाता है कुछ दिनों तक वहाँ रहता है भूखा प्यासा, और उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इंद्रियों द्वारा एक ऐसे हम लोग आर होता है, दूसरा हमने बताया था इसी के अंदर विषय द्वारा इंद्रियों का संग्रह, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक संग्रह, संग्रह क्या है कि हमने बताया था कि जिस प्रकार संसार हर व्यक्ति संग्रह में लगा हुआ है ना, आवश्यकता से अधिक संग्रह, और विश्व मनुष्य भी हमने बताया था, कौन सी कथा देखी है हमने, एक तरह ने कथा बताई थी निन्यानवे का फेर, है ना, निन्यानवे का फेर कैसे एक व्यक्ति उसको निन्यानवे से के मिल जाते हैं, कुछ नहीं बनी इच्छा होती है, सौ कर दो, और कितना प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, लेकिन वो होती नहीं, ईशान जी की कथा थी, हमारा ये प्रयास पूरा हो चुका था, आज हमारा है तीसरा है प्रजल्प, इसमें हमारे हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे, जितना जरूरत तुम्हारी है उतना संग्रह करो, लेकिन कभी कभी हम सोचते नहीं, बच्चों के लिए बहुत रख करके जाओ, वो मना करते थे, तो कहते थे अगर बच्चा होनहार होगा वो कमाएगा, अगर वो नालायक होगा ना, तुमने जितने कमा करके जा रहे हो, कल हम किससे बात कर रहा था, किससे, उसने 35 करोड़ रुपया उसने जुआ खेल करके हार गया, कितना रुपया हार गया, 35 करोड़ रुपया, पूरा हल्ला हो गया, अरे कोई हारता है, कोई 10 लाख 20 लाख कितना हार जाता है, कुछ हार जाता है, लेकिन उसने 35 करोड़ रुपया हार गया, कारण है उसको पिताजी की बहुत संपत्ति था, पिताजी का बहुत संपत्ति था, देखा तो मेरे पिताजी का संपत्ति है, और जुआ में लगाते रहा, लगाते लगाते जुआ खेलते 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 सब 35 करोड़ रुपया हार गया, जब हार गया हल्ला हो गया, 35 करोड़ रुपया उसने हार गया, अभी क्या होगा, सारा दुनिया उसको मारने के लिए आ रही, पीटने के लिए, उसका पिताजी का संपत्ति था, फिर लास्ट में उसको बेच करके किसी तरह से उस संपत्ति को उसने किसी तरह से, इसलिए कहते हैं अगर बच्चा हो ना हो तो कमा लेगा, अगर नालायक हो ना सब खत्म कर देगा, सब उसने खत्म कर देगा। और गुरु जी और एक बात कहते थे, जैसे हम जब शरीर छोड़ दिया, मैंने 5-6 करोड़ बच्चे के लिए छोड़ कर गया, लेकिन उसको जो 5-6 करोड़ बच्चे के लिए छोड़ कर गए हो, लेकिन उतना समय तुमने जो समय को तुमने
जो लगाया वो समय तुम्हारी बेकार गया कि नहीं, क्यों वो तुम्हारे काम में लगाई नहीं ना। जब तुम्हारे काम में नहीं लगा पैसा, उसी के लिए तुमने जो समय को नष्ट किया, उतना समय में हरिनाम कर सकता था, हरिनाम करता तो जो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला था, लेकिन वो काम तो तुमने किया ही नहीं और बैठे के लिए पैसा 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 कमा कर गया, जितना छोड़ गया तुम्हारा बेकार गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया नाम रूपी धन को कमाओ, नाम रूपी धन को कमाओ, जो इसी जीवन में भी काम में आएगा और अगले जीवन में भी तुम्हारी दोनों समय में काम आ गया। इसलिए कहते अत्याहार है, अत्याहार मतलब होता है प्रयोजन से ज़्यादा वस्तुओं को संग्रह करना, ये भी भक्ति की प्रतिकूल है, ये भी भक्ति का अनुकूल नहीं। लेकिन हम देखते हैं गुरु वैष्णव जैसे मठ मंदिर बनाते हैं, आप बोलोगे आप भी तो मंदिर मंदिर बना करके जा रहे हो, लेकिन वो लोग जो कुछ करके जाते हैं वो भगवान के लिए करके जाते हैं। भविष्य में ठाकुर का नाम हो, कीर्तन हो, जगत में उनकी महिमा जगत में जाए, क्योंकि असली जो धन पैसा है वो तो नारायण है ना, लक्ष्मी तो उन्हीं की है, लक्ष्मी उन्हीं का लक्ष्मी। लेकिन जो विषय लोग क्या कर रहे हैं, उनकी लक्ष्मी को लोग भोग करना चाह रहे हैं, उन्हीं की लक्ष्मी को लोग भोग करना चाह रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, चैतन्य चरितामृत में बताया कृष्ण संपत्ति लुटिया खाए, मतलब भगवान की संपत्ति लक्ष्मी लोग क्या कर रहे हैं, उसको लूटपाट करे खा रहे हैं, भगवत संपत्ति को लूटपाट करे खा रहे हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते, नहीं संपत्ति जगन्नाथ जी का है, लक्ष्मी उन्हीं का है, जब लक्ष्मी उन्हीं की सेवा में लगेगा क्या होगा, भगवान की मंदिर बनेगा, कितने लोग आएंगे, सत्संग होगा, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल हो, इसलिए वो ठाकुर जी के लिए बना करके जाते हैं। इसलिए हमारे भक्तवृंद नारायण गोस्वामी महाराज नवद्वीप मठ में गए हो, कौन गए गए हो, इसलिए कहते महाराज इतना बड़ा क्यों बनाए, बोले जिस चीज़ को श्री महाप्रभु ने प्रारंभ किया था, महाप्रभु ने क्या प्रारंभ किया था, महाप्रभु ने अपना भक्तों को लेकर हरि कीर्तन किया है, महाप्रभु ने हरि कीर्तन किया, सर्वत्र जाकर गली गलियों में प्रचार किया, और महाप्रभु का भविष्यवाणी था पृथ्वी में जितने गांव शहर सब जगह मेरा नाम गूंज उठे महाप्रभु का। उसके बाद में उसी को ही नित्यानंद प्रभु फिर किया, फिर उसी का फिर हमारे श्री जगन्नाथ दास भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, फिर प्रभुपाद ने वो चीज़ को विपुल रूप में किया। लेकिन उसको बाद में हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फिर वो धारा को पकड़े, हमारे भक्ति पद नारायण गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज वो धारा को धीरे धीरे, इसलिए उन्होंने इतना विशाल मंदिर बनाए, कम से कम जो नवद्वीप जो परिक्रमा है, अब लोग गए ना देखा ना कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, जैसे पूरा बाढ़ जैसा आ गया है, हैं इसलिए बनाए, जैसे महाप्रभु का जैसे परिक्रमा बंद नहीं होनी चाहिए, ये परिक्रमा कंटिन्यू होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया, लोगों को लाभ हो और लोग आ करके महाप्रभु की कथा प्रचार करें और महाप्रभु का परिक्रमा करें। इसलिए कहते अत्याहार मतलब आवश्यक से ज़्यादा ग्रहण करना, कभी कभी वो भी बंधन का कारण है, फिर उसको रखवाली करना, फिर उसको देखना, फिर उसको ये करना, कभी कभी ये सब चीज़ गड़बड़ी होता है, भक्ति की प्रतिकूल है। प्रयास करने के बताया था प्रयास क्या है, प्रयास करने बताया था प्रयास आयस आयस श्रम करना, श्रम श्रम तो इसमें श्रम करने बताया था, एक चीज बताई थी उन्हें, इसका उदाहरण दिया था धान का, कि अगर हमें धान है उसको हम कूट रहे हैं, उसके बाद जब उसमें धान अलग हो, ये चावल अलग हो गया और भूसा अलग हो गया, तो भूसा कितना नहीं कूटेंगे, कितना भी कूटने हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। तो उसी तरह जो श्रम कर रहे हैं संसार में हम भक्ति विरोधी जो भक्ति से संबंधित नहीं है वो सारे क्या बताए गए, परिश्रम व्यर्थ व्यर्थ का परिश्रम, इसको हम क्या बता रहे हैं प्रयास। इसमें हमने कथा सुनी थी, कौन सी कथा थी प्रयास में, प्रयास करने कौन सी, एक उन्होंने वो सुनी थी, दूसरी उन्होंने कथा थी अच्छा।
लाइट चली गई ना, कहाँ चली गई? थोड़ा लाइट वाइट बंद थोड़ा कम कर दो, हाँ उसको खोल दो। ठीक है, कल से तुम सुना। हरे कृष्णा चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादि गौर भक्त वृंद बल हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और प्रभु बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम हरिपाद पद्म प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्री माधुभक्त श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को तथा प्रणाम करता हरे कृष्ण। हम लोग जो ग्रंथों का श्रवण करेंगे ये श्रीला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशांत। पहले हम लोग ने श्रवण किया था, अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग क्वेश्चन किया और प्रभुपाद ने उसका क्या उत्तर दिया ये चीज को हम श्रवण करेंगे। इसलिए किसी भक्त ने प्रश्न किया है, हमारे मन में तरह तरह का विचार आता, अब जाना अलग अलग सबका मन में अलग अलग विचार आता है, तरह तरह का हमारे मन में विचार आता है। लेकिन किसने प्रश्न किया वास्तव की विचार करके मंगल है वे, हम ऐसे कौन सा विचार मन में लाए जिस विचार से हमारा मंगलमय अपना जीवन कल्याण हो मंगलमय। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया, अभी प्रभुपाद उत्तर देते हैं बोले विश्व के भगवत सेवक देख ले आर कौन दुख था के ना है। तो भक्तों का विचार क्या है, उनका विचार है जगत में हम जो चीज देखे हर चीज को हमारा भावना है ये हर चीज कैसे ठाकुर की सेवा में लगाए, ये हर चीज ठाकुर को सेवा की ही वस्तु, इसमें अपना सेवा की कोई वस्तु है नहीं। मार्केट में गए कोई बढ़िया फल देखा, नई नई फल आम आया नहीं तो नया नया कोई फल आया उसको देख करके क्या सोचनी चाहिए, इसको कोई जितना जिस कोई नया चीज आए हमारे भी खाने की इच्छा होती है हाँ भैया नया चीज मार्केट में आया। लेकिन अगर कोई नया चीज आए तो देखकर भावना क्या रहे इसको हम ठाकुर जी को सेवा में कैसे लगाए, भले ही कितने पैसा क्यों नहीं हो अगर ज़्यादा नहीं ले सके लेकिन कम से कम थोड़ा जैसे हमारी खाने की इच्छा करता है उसको क्या करो ला करके पहले ठाकुर जी को भोग में लगाओ फिर उसको प्रसाद ग्रहण करो। जैसे कोई बढ़िया हमने क्या देखा बढ़िया कपड़ा हमारी बढ़िया साड़ी देखा हमारी पहनने की इच्छा हो हाँ ये साड़ी हो अगर हम पहन के कितना बढ़िया लगता हम सोचते बोले नहीं पहले क्या देखो हाँ ये कपड़ा अगर हमारे ठाकुर जी के लिए अगर हम ले जाते अगर ठाकुर जी ये कपड़ा पहनते तो ठाकुर को कितने जचता। हम ये नहीं सोचे नहीं ठाकुर के लिए तो बहुत सारे कपड़ा है हैं और ठाकुर जी के लिए क्या अपना लिए ले बोले अपना देखो अपना अलमारी में हैंगर में कितने साड़ी सज रहा कितने साड़ी हमारे। इसलिए पहले अपना लिए नहीं पहले किसके लिए लो कोई भी चीज़ देखो उसकी पहला भावना हो ये चीज़
सेवा में कैसे लगाएगी हैं। किसी घर में गए, देखा बड़ा सुंदर घर मकान बना, बड़े सुंदर मकान बना, हम क्या सोचे, हम भी अपना ठाकुर जी का घर को हम भी कैसे सजाएंगे, वहाँ भी कैसे लगाएंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना घर में तो ऐसी ठाकुर का प्रसिद्ध है, अपना घर में ऐसी लगाए, लेकिन ठाकुर घर में नहीं, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। पहले अपना घर में लगाने से पहले सबसे पहले देखो ये ठाकुर जी के घर में ये ऐसी है कि नहीं है। कभी कभी अपना अपना घर बहुत बड़ा, लेकिन ठाकुर के लिए बड़ा नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितने सारी चीज है, जो चीज को देखो वह चीज को क्या भावना करो, हम ये सब चीज हम ठाकुर को समाधि कैसे लगा सकते हैं, अपना लिए नहीं, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए। हम उदाहरण देते हैं ना, विश्वनाथ प्रभु उसको उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, सुंदर करके सजाओ और शीशा के सामने खड़े हो जाओ। अब देखना अपना शरीर को कैसे सजाओगे, ये शीशा भी ठीक बैठ सज जाए, वो शीशा में जो परछाई को सजाने का कोई जरूरत है नहीं, अपना जैसे सजोगे परछाई भी ऐसे दिखेगा। मतलब क्या है, मूल को जैसे सजाओगे उसका छाया हो जाएगी। मूल कौन है, बोले ठाकुर जी। मूल कौन है, ठाकुर जी। इनको आप जितने अच्छे तरह से श्रृंगार करोगे, इनको जितने अच्छे तरह से सेवा भोग लगाओगे ठाकुर जी को, क्या होगा, फिर अपने आप हम अपने आप बढ़िया बन जाएंगे। इसलिए पहले किसके लिए सोचो, भगवान के लिए। इसलिए कहते विश्व के भगवत सेवक देख लिए। इसलिए कोई भी चीज हो कभी भी उसने अपना भोग मुझे नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर ये चीज हम खा लेते, ये चीज पहन लेते, ये चीज अगर ये करते नहीं, कभी भी किसी चीज का प्रति भोग बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हर चीज का प्रति ठाकुर को सेवा की बुद्धि, सेवा की बुद्धि रखनी चाहिए, फिर तुम्हारे कोई दुख नहीं रहेगा। दूसरा बात कहते हैं तो स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत हो, निष्कपट भजन कर ले, एक जन्म ही भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कोई कहते भैया हमें भगवान कैसे मिले, हम तो यही चाहते ना, हमें ठाकुर जी कैसे मिले, हमें भगवान कैसे मिले, हम तो यही चाहते हमें जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। बात अगर भगवत प्राप्ति हो जाएगा तो जितने हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होगा, बोले भगवत प्राप्ति तभी होगी जब अपना स्वतंत्रता को पहले त्याग देना पड़ेगा। अपना मनमर्जी ढंग से हम ये करेंगे वो करेंगे, अपना संपूर्ण स्वतंत्रता को परित्याग देना पड़ेगा। देखकर क्या करना पड़ेगा, कहते शरणागत होकर के गुरु वैष्णव को चरण में, ठाकुर के चरण में पहले शरणागत हो। हैं, शरणागत मतलब क्या है, शरणागत मतलब होता है भक्ति प्रतिकूल वस्तु को परित्याग करो और भक्ति के अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो। जो काम करने से ठाकुर जी गुरुदेव कृष्णा खुश नहीं होंगे वो काम हमें नहीं करनी चाहिए। जो काम करने से गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न होंगे जीवन में हमें वही काम भी करनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चाह करते थे, बोले देखो अभी तो हम भगवान को देखे ही, बोले ना ठाकुर को खुश के लिए भगवान तो हमें देखे ही नहीं, पर जब भगवान को देखे ही नहीं फिर कैसे कर सकते। तब वो कहते थे पहले गुरु और वैष्णव, अगर हमारी एक्टिविटी से क्रिया से अगर गुरु वैष्णव अगर प्रसन्न हो जाते हैं समझ नहीं चाहिए ठाकुर को प्रसन्न। लेकिन हम ऐसे कोई काम करें जिसमें गुरु वैष्णव प्रसन्न नहीं तो समझ नहीं चाहिए ठाकुर, ठाकुर उसमें प्रसन्न है नहीं, ठाकुर उसमें प्रसन्न है नहीं। इसलिए पहले जो प्रसन्नता गुरु वैष्णव का ही प्रसन्नता, इसलिए अपना स्वतंत्रता को त्याग करके गुरु वैष्णव क्या चाहती ये चीज को देखो। ऐसे नहीं ब्राह्मण चाह रहे हम ये करने के, हमारी मन चाह रहे हैं ये करने, अपनी मन की बात नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए गुरु वैष्णव की बात सुननी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं पहले अपना स्वतंत्रता को त्याग। उदाहरण देते हैं जैसे बिक्री थी गैया, बिक्री गैया देखना, जैसे गैया को जब हम बेच देते हैं ना, है जैसे हमने गैया बेच दिया, अभी जिसको बेच दिया क्या होगा, वो गैया खूंटा में बांध सकता है उसको, गले से उसको रस्सी पर खोल सकता है, उसको खिला भी सकता है, उसको नहीं खिला सकता है, वो जो करेगा वो गैया ठीक उसके अधीन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम जैसे बेचा हुआ जैसे गैया भाती हमें रहनी चाहिए।
गुरु वैष्णव जैसे चाहते हैं उनकी इच्छा में इच्छा को मिला करके बोले तुम्हारी इच्छा है और इच्छा मिला है। गुरु वैष्णव की इच्छा के साथ में अपना इच्छा को मिला देनी चाहिए, अगर मिला तो ना बात हमारे जरूर हमारी कल्याण होगा। इसलिए बोले स्वतंत्रता को परित्याग करके शरणागत होकर है, शरणागत क्या हो गया बोले क्षेत्र का शरणागत है। क्या क्या क्षेत्र का शरणागत है बोलो पंडित जी, क्षेत्र का शरणागत क्या है बोलो, क्षेत्र का शरणागत भक्ति के अनुकूल ग्रहण करो और भक्ति के प्रतिकूल को है त्याग करो, अनुकूल को ग्रहण करो और भगवान इसको पूर्ण विश्वास कर ठाकुर जरूर हमें पालन करेंगे, ठाकुर हमें पालन करेंगे हैं। कोई कोई सोचते ना नहीं कुछ पहले से कुछ प्यार हो ना पैसा रख कर अगर गुरु जी चले जाएंगे फिर हमें कोई खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, फिर हमें कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। अगर गुरु जी चले गए अभी तो गुरु जी है, अब तो गुरु जी देख रहे हैं, जब गुरु जी चले जाएंगे फिर हमारे क्या होगा ऐसा मतलब क्या, अभी तुम्हारी भजन नहीं हो रहा, तुम्हारे भजन नहीं हो रहा है, अभी तुम सोच रहे हो गुरु जी जाने के बाद मतलब गुरु जी नहीं रहेंगे हैं, गुरु जी नहीं रहेंगे, तुम्हारी भावना भी यही है। इसलिए गुरुदेव नित्य है, अब कहते हैं विश्वास कब होगा, भगवान हमें रक्षा करेंगे पालन करेंगे जब तुम भजन करोगे। ठाकुर जी भक्ति करोगे ना, जब एक चींटी से लेकर के हाथी को पालन करते हैं तो वो हमें भजन करने वाले पालन नहीं करेंगे ठाकुर जी, बल्कि हमने देखा जिन्हों ने अपना पैसा को जमा करके रखा अपना भोग के लिए लास्ट में वो पैसा उनका कोई भी काम नहीं आएगा, क्यों वो पैसा गुरु वैष्णव की सेवा का पैसा, गुरु वैष्णव की सेवा की पैसा उसी पैसा को लेकर के मृत्यु का कारण बन चुका है। किसने ऐसे कुछ पैसा रखा था हैं, हर समय लास्ट में ऐसे व्यक्ति या भलाई काट दिया गला काटते हो क्यों पता चले उसके पास में पैसा। इसलिए गुरु वैष्णव की पैसा को अगर हम संग्रह करते करते रखेंगे एक दिन गला कट जाए, क्यों वो पैसा गुरु वैष्णव सेवा की पैसा तुम उसको अपना आत्मसात कर ले। अगर विश्वास कब होगा जब भजन करें, भजन नहीं करते तुम्हारा विश्वास ऐसा आएगा, भजन को द्वारा तो विश्वास आएगा ना, नहीं हम भगवान की शरणागत होकर के हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शरणागत होकर भजन कर रहे हैं। ये जब भजन का नाते भगवान कुछ ना कुछ भगवान ने उनकी व्यवस्था देखो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे, इतने सेवक एक पिताजी की सेवा करने के लिए एक बेटा भी उनका सेवा करना नहीं चाहता, अब देखना बेटा, लेकिन हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नंबर नहीं आता था उनको सेवा करने के लिए, उनको नंबर नहीं आता था, गेट को बाहर सब सेवक लोग खड़े रहते थे, गुरुदेव का शरीर में थोड़ी सी तेल लगाते और बावन गोस्वामी महाराज है नंबर नहीं आता था बाहर खड़े रहते थे, थोड़ी सी गुरुदेव को प्रार्थना करो हम थोड़ी सी गुरुदेव का शरीर में थोड़ी सी तेल लगाएंगे सेवा के लिए ये नहीं मिलता था। और अंतिम समय में उनको पास में 24 घंटा तीन तीन चार चार सेवक उनके पास में 24 घंटा रात भर, कोई बेटा के पास में पिता के पास में बेटा रात भर रहता है जगह रहता है बीमार पड़ते नहीं जगते हुए रहे उनके पास में चार चार पांच सेवक 24 घंटा। कारण है जब हम सचमुच से जब भजन करेंगे भक्ति करेंगे भगवान हमें जरूर शरणागत हो भगवान फलन करते हैं, लेकिन ये तभी आएगा जब हम हरिनाम ठीक ठीक से हरिनाम करेंगे, नहीं तो विश्वास हमारी नहीं आएगी। विश्वास होगा पैसा को पर विश्वास होगा भगवान पर विश्वास हमारा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दैन्य है, दैन्य मतलब दीनता, हम सबसे छोटे हम सबसे सब हमसे बड़े हैं और आत्मनिवेदन भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में आत्मनिवेदन करनी चाहिए, शरणागत हो जानी चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते शरणागत होने पर अब जब निष्कपट होकर भजन करें, कपटता रहेगी भाई तो कल्याण नहीं होगा, कपटता व्यक्ति कभी भगवान कभी कल्याण नहीं किया है। इसलिए निष्कपट होकर के जब कोई भजन करेगा तो प्रभुपाद कितनी बड़ी बात कहते हैं, शरणागत होकर के और निष्कपट होकर के जो भजन करेगा प्रभुपाद कहते एक जीवन में तुमको भगवत प्राप्त होगा,
किसी जीवन में तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर सचमुच से अगर शरणागत अगर जिसको करो भजन का, कितने बड़े प्रभुपाद बात करते हैं, कितने बड़े एक बार हाथ उठा कर बोला बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और बच्चों से बोलो बोला भगवान की जिन्हें देखिए जितने बारे जिन्हें 24 घंटा मध्य 24 घंटा भगवान ने सेवा करे तार का छे भगवान ने सेवा कथा सुनत हरिवे ताहले मंगल हरिवे। जिन्हें प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति 24 घंटा में 24 घंटा भजन करते हैं, 24 घंटा में 24 घंटा मध्य जो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की भजन करते हैं, जब ऐसे व्यक्ति को पास में हम भगवत कथा सुने का आश्रय ग्रहण करें तभी हमारी कल्याण है। इसलिए जो व्यक्ति खुद भजन नहीं करते भक्ति में जिसका कोई मतलब नहीं भक्ति से भजन लेकिन भगवान की कथा सुनाते भैया उसकी कथा में कल्याण करने वाले नहीं, उसकी कथा में कल्याण होगा जो 24 घंटा में 24 घंटा जो भगवान की सेवा भक्ति जो लगा हुआ है। इसलिए भगवत भक्त साधुगण भक्ति चखे श्याम सुंदर कृष्ण के हृदय दर्शन करे एक साधु सर्व कृपा हले हमारा हृदय भगवान के देखते पावो। इसलिए कहते कैसे भक्तों का संग करने से हमें भगवत प्राप्त हुआ भगवत दर्शन होगा। तब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते 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 जिन्होंने अपना हृदय में उन्होंने भगवत दर्शन किया ठाकुर को जो दर्शन किया है भगवान को, और जब अगर हम ऐसे साधुओं का संग करते हैं फिर क्या होगा, फिर ऐसे संतों का संग करने से हमें भी ठाकुर का दर्शन हमें भी जरूर दर्शन होगा है? हमें भी दर्शन होगा। हमार आर एक तो समय नष्ट ना करे सतत भगवान के सेवा करने व्यस्त हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहते कोशिश करनी चाहिए साधकों को भैया ये जीवन तो बहुत कष्ट से मिला है 84 लक्ष जीवन भ्रमण करते करते कि भगवान कृपा करके हमें ये मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर तो भगवान बारंबार देते नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं थोड़ी सी भी समय और नष्ट नहीं करो इधर उधर काम में, थोड़ी सी नष्ट भी कभी भी इधर उधर काम में नहीं करके क्या करो सत्संग में साधु संग में रह करके हर समय क्या करो भगवान भक्ति भगवान से सेवा करते रहो, हर समय सेवा भक्ति करते रहो क्या होगा फिर ये जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। क्योंकि जीवन जब एक बार नष्ट हो जाता है ना फिर तो भगवान दो बार ये जीवन ठाकुर जी देते हैं। अभी भगवान चांस देते हैं एक समय हमारे भक्ति वृंदावन में नारायण गोस्वामी महाराज कह रहे थे महाराज का भजन भ्रष्ट सवेरे 1 लाख नाम करके भजन करते थे फिर दिन भर हरिनाम करते थे सारा दिन ग्रंथ प्रकाश हर समय भक्ति में लगे रहते थे। वो कहा करते थे देखो अच्छी बात कहते अभी तुम्हारे शरीर में सुस्त है ये किस समय ये शरीर में रोग ग्रस्त हो सकता है कब बीमारी आ जाएगा कोई नहीं बोल सकता। इसलिए महाराज को सकल मेरे 3-3 बार ऑपरेशन हुआ है महाराज के 3-3 बार मुझे ऑपरेशन हुआ है। इसलिए किस समय शरीर अस्वस्थ हो जाएगा फिर अस्वस्थ होने पर ना जितना हम भजन कर सकते भजन नहीं हो पाए भजन नहीं होगा क्यों शरीर अस्वस्थ हो गया। इसलिए महाराज कहते देखो अभी भगवान शरीर सुस्त भी रहते हैं इसलिए समय को इधर उधर मत लगाओ समय को बर्बाद मत करो बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी बार महाराज कहते थे ये शरीर को रगड़ रगड़ करके ये जड़ तब शरीर है जड़ तब शरीर समझते हो शरीर में क्या है टाटी पैसा कोल पीक और कुछ है नहीं बोले सब तो संत जल जल कब हजार इसमें संधि है हजार बीमारी है शरीर में लेकिन वो कहते थे लेकिन होने पर भी इसी शरीर से तुम भगवान को प्राप्त कर सकते इसी शरीर से तुमको भगवत प्राप्त हुआ। वो कहा करते थे समय को नष्ट नहीं करके जितना दूर हो सके शरीर को रगड़ रगड़ करके शरीर को भगवत सेवा में भगवत भजन में लगा दो और शरीर से भगवत प्राप्ति कर दो क्योंकि पता नहीं कि शरीर कब खत्म हो जाएगा अगर खत्म हो जाएगा तो अगर दूसरा जीवन मिलेगा तो चाहने पर भी तुम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
हमारा एक तो समय नष्ट ना करे, थोड़ी सी भी समय इधर उधर काम में नहीं लगा करके सतत भगवान के सेवा करने व्यस्त हो। हर समय ठाकुर के सेवा में हम व्यस्त रहेंगे, सब संग ही सेवा करता है। बोले सेवा कब होगा? बोले सत्संग में सेवा करना पड़ेगा। असत संग भाई है कृष्ण नाम ना ही भाई, कृष्ण नाम बाहर आए बटे नाम बहु नहीं, इसलिए जल्दी करीब कृष्ण नाम साधु संग करो, भुक्ति मुक्ति पिया बच्चा दूरे करी रहो। अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो, हरिनाम करना, असत संग को त्याग दो, भोग और मुक्ति की कामना को त्याग देकर क्या करो, हर समय सत्संग में रहो। क्योंकि सत्संग में जैसे तुम लोग यहाँ पर आते हो, थोड़ी समय जैसे कथा सुन कर जाते हो ना, देखना दिन भर तुम्हारी दिमाग नहीं गई। जैसे घड़ी में चाबी लगाते हो, घड़ी में चाबी लगाते हो, एक बार चाबी लगा तो 12 घंटा चले जाते। जैसे आप लोग मंगल आरती में आकर कथा सुनते हो ना, ये पूरा चाबी लगा दिया, उसमें चाबी लग गई दिमाग, अब ये दिन भर ये काम करेगा, ये दिन भर ये काम करेगा, फिर कल सवेरे आओगे तो कल चाबी लग जाएगी। इसलिए ये साधु संग है ना, ये चाबी लगाने का काम ये साधु संग करता है। इसलिए सब समय सत्संग करके सेवा वृत्ति बढ़ाते हुए प्रभुपाद का हर समय वैष्णव का सत्संग रहो, रहने पर क्या होगा, तुम्हारी अंदर सेवा की वृद्धि बढ़ते रहेगी। भगवान शरणागत भक्त सकल वांछा पूर्ण करे एवं तुम्हारे कखनो प्रत्याख्यान करे ना, कृष्ण से ही सुप्त करे जय मागे वृत्त। इसलिए जो शरणागत भक्त है भगवान हर समय जिनको इच्छा को पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। भगवान कभी भी शरणागत भक्तों को कभी त्याग नहीं देते। जो ठाकुर की शरण को लेकर बड़ा हुआ है, भगवान दुनिया को त्याग दे देंगे लेकिन अपना शरणागत भक्तों को त्याग नहीं देंगे। इसलिए माता कुंती महाभारत युद्ध से पहले पंच पांडव को ला कर उन्होंने किसको दिया, कृष्ण को। कृष्ण मैंने ये 5 बेटे तेरे को दे, कृष्ण बोले बुआ जी कोई चिंता मत करो, ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा ना, तुम्हारे बच्चों का कोई बाल भी नहीं, वही हुआ ना, सारा दुनिया मारी गई, 5 मंडल मारी गए, क्यों नहीं मारी गई, कृष्ण चरण में शरणागत। इसलिए भगवान कभी भी शरणागत व्यक्ति को भगवान कभी भी त्याग नहीं देते हैं। कृष्ण सही सत्य करे, भगवान किसको सत्य करते हैं, जय मागे धृत्य, जो उनका सेवक जो मांगते हैं ठाकुर जिसको हर समय में सत्य करते हैं। आमा दिगर के आश्रय दिया रक्षा करा रक्षमता एकमात्र भगवान रे अच्छे, तथा हम लोगों का आश्रय दे करके रक्षा करने का जो शक्ति किसका अंदर में, इसलिए जाके राक्षसानिया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह भाई, अगर उसको जिसको रक्षा करता है करने वाले हैं उसका जगत में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। एतद व्यतीत अपर कहारो जे शक्ति नाही, यही दृढ़ विश्वास होले हमारा निर्भय निश्चित सुखी और सफलता होते पार को। देखो प्रभुपाद कितने अच्छी बात कहते हैं, कहते भगवान को छोड़ करके जगत में और किसी की हिम्मत नहीं है हम लोग को रखा कर। इसलिए जो गुरु वर्षों का 11 पकौनी से बता 11 पकौनी सही कहते हैं, पितामह विष्णु का इच्छा विरुद्ध थी, जब तक इच्छा लेकर के मरने वाले नहीं, कहते पितामह और भीष्म और हमारे श्री भीष्म और श्री द्रोणाचार्य जब तक उनका हाथ में अस्त्र रहेगा ना, उनको मारने वाले कोई नहीं था, और कर्ण कवच कुंडल कवच कुंडल उसको हाथ में धनुष रहेगा उसको फिर वो धरा नहीं सकते, ऐसे ऐसे पराक्रम थे। धराशाही क्यों धराशाही बने, पांडव लोग कृष्ण शरण में, ये लोग भगवान की शरण में थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण के छोड़कर जगत में कोई रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा कर सकते तो ठाकुर ही रक्षा कर सकता है। यदि ये दृढ़ विश्वास अगर हमारे हो जाए ना, कहते हर समय सुखी भी रहोगे, हर काम तुम्हारी सक्सेसफुल होगा और तुम निश्चित तो हो जाओगे और संपूर्ण निर्भय हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, तुम्हारे मन में कोई भय नहीं। देखो प्रहलाद महाराज छोटा सा बच्चा, पिता इतना पराक्रमी, स्वर्ग में देवता को खदेड़ दिया, जाकर इंद्र के सिंहासन में बैठ गया है, ले तुमको और चंद्र बोले चमचमान इधर आ जा पकड़ करताल पकड़ है, सूर्य को बुलाया बोले तुमको तेज पकड़ लग फिर तक पकड़ लग, अरे सबको बोले मेरे को सुना कर मेरे कीर्तन करो सबके सब, ब्रह्मा जी को बोले नारद जी को बोले जाओ सबके सब मेरे गुण मेरे सब कीर्तन करो मेरे गुणगान करो है,
सबके सबको उन्होंने लगा दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज इतना छोटा सा बच्चा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? वो ठाकुर जी की सहमति। इसलिए यहाँ कहते हैं अगर हमें विश्वास ही हो जाए भगवान हमें जरूर रक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न अभी ये विश्वास कब आएगा? जब शरणागत। शरणागत के बगैर तुम्हारे भगवान प्रति विश्वास होगा नहीं। विश्वास होगा तो पैसा का प्रति विश्वास होगा, परिवार का प्रति विश्वास होगा, दुनियादारी प्रति विश्वास होगा, लेकिन ठाकुर का प्रति तुम्हारी विश्वास नहीं रहेगा। अगर ठाकुर का प्रति तुम्हारी विश्वास हो गया तो प्रभुपाद कहते तुम निर्भय हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, निश्चित हो जाओगे, सुखी, और तुम्हारी सारे काम तुम्हारी सफलता हो जाएगी। इसलिए मंगल भाई कृष्ण मंगल तात्व परिपूर्ण विश्वास बोले हमारे निश्चय मंगल होगी। भगवत शरणागत हो कि महाफल है ता भाषा है बरकत रह जाए ना। इसलिए भगवान हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का जो अमंगल करते नहीं, हर समय की विश्वास हमारी होनी चाहिए भगवान हमें जरूर कल्याण करेंगे, जरूर मंगल करेंगे। यहाँ पर कहते जो व्यक्ति भगवान की चरण में शरणागत हो जाते हैं, कहते कितना उनको मंगल होता है, कहते वो चीज़ हम भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ठाकुर का शरण आश्रय लेकर के ठाकुर की चरण। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर ये विचार हमारे अंदर से आ जाए ना जरूर हमारे मंगल हो जाए, कभी जीवन में अमंगल तुम्हारी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। गौर प्रणाम।